हेलो एवरीवन, दिस इज पलक मालवा एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो फ्रेंड्स, विंटर्स अभी चल रहे हैं और विंटर्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि स्किन काफ़ी डल हो जाती है, ड्राई हो जाती है, अनइवन स्किन का प्रॉब्लम रहता है। स्किन पे जो हम ग्लो चाहते हैं वो हमारा स्किन पे ग्लो हमें नहीं दिखाई देता है। तो इन सभी प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन मेरे पास है, तो वीडियो को टिल एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर इसे लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा चैनल को, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ एक प्रोडक्ट जो कि आपकी स्किन को ग्लोई बनाएगा, आपकी अनइवन स्किन का प्रॉब्लम है तो उसे दूर करेगा और आपकी स्किन को काफ़ी सॉफ्ट और प्लम्पी बनाएगा और आपके जितना भी अगर आपको पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है तो उसे भी दूर करेगा। तो फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूँ ओजीवा ब्रांड की। आप सभी जानते हैं काफ़ी अच्छा ब्रांड है बिकॉज इसके जितने भी जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो होते हैं क्लीन प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स, तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसके पहले भी मैं ऑलरेडी सीरम का रिव्यू शेयर कर चुकी हूँ, वो था एंटी एजिंग सीरम, उसे भी आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया है। एंड तो इसलिए आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ ओजीवा का इनर ग्लो स्किन ब्राइटनिंग फेस सीरम। काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि स्किन ब्राइटनिंग के लिए, पिगमेंटेशन के लिए, ग्लोई स्किन के लिए कोई सीरम बताएं, तो इसका रिव्यू मैं आपके साथ में आज शेयर कर रही हूँ। इससे आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं या शॉप से भी परचेस कर सकते हैं। ऑनलाइन परचेस करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से इसे परचेस कर सकते हैं। तो यह है ओजीवा का क्लीन प्लांट बेस्ड इन ग्लो फेस सीरम स्किन ब्राइटनिंग। ये है 3x इंक्रीज इन रेडियंस। इसमें जो मेन जो इसका इंग्रेडिएंट है वो है राइस ब्रान, टर्मरिक, फाइटो विटामिन सी। एंड इसकी क्वांटिटी है 30 ml, इसकी आपको क्वांटिटी मिलेगी। इसका MRP है 649 इसका MRP है। एंड जो इसका शेल्फ लाइफ वो आपको 2 ईयर्स का मिलेगा। एंड कैसे यूज़ करना है वो सब कुछ यहाँ पर आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। एंड ये जो प्रोडक्ट है मुझे इसलिए पसंद है बिकॉज ये 100% वेगन है एंड क्लिनिकली टेस्टेड है और क्रुएल्टी फ्री है एंड पैराबिन फ्री भी प्रोडक्ट है ये। एंड आप सभी जानते हैं कि जो टर्मरिक और विटामिन सी हमारे स्किन को ब्राइटन अप करने में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हम लोग विटामिन सी सीरम लगाते हैं स्किन ब्राइटन अप करने में और टर्मरिक की काफ़ी सारा फेस मास्क और सब कुछ ट्राई करते हैं हम लोग होम रेमेडी, ताकि हमारी स्किन इनर ग्लो करे, जितना भी प्रॉब्लम है वो दूर हो। तो वो सब चीज़ें इस आपको सीरम में अवेलेबल है। तो इस सीरम को आप यूज़ करके अपनी स्किन को ग्लोइंग बना सकते हैं और साथ ही साथ आपका जो अनइवन का प्रॉब्लम है उसे भी दूर करके ब्राइटन अप कर सकते हैं। तो मैं इसको आपको ओपन करके बताती हूँ। इस तरीके से ये पैकेजिंग में आता है, कार्डबोर्ड पैकेजिंग में। एंड जब हम इसे ओपन करेंगे तो यू कैन सी इस तरीके से आपको एक प्लास्टिक बॉटल मिलेगी इस तरीके से, और ये ट्रैवल फ्रेंडली बॉटल है बिकॉज ये प्लास्टिक का बॉटल है तो आपको इजीली होगा ट्रैवल करने में। और इस तरीके से आपको ये एक ड्रॉपर मिलता है और मेंशन किया हुआ है ब्रांड ने कि जो इसमें टर्मरिक और विटामिन सी आमला है वो आपकी स्किन को ग्लो करेगा, ग्लो प्रोवाइड करेगा और आपकी स्किन को जो इवन टोन बनाएगा वो इसमें है राइस ब्रान, सैफरन और लिक्योरिस रूट, यानी कि जो मुलेठी की रूट होती है वो इसमें ऐड है, जो कि आपकी स्किन को, अगर आपकी स्किन अनइवन है बिकॉज यहाँ पर अगर मोस्टली देखा जाता है यहाँ पर स्किन अनइवन होती है, यहाँ से अनइवन होती है, तो इसको इवन टोन बनाएगा, ये आपकी स्किन को काफ़ी रेडियंट बनाएगा। अगर आप इसका रेगुलर यूज करते हैं 8 वीक्स तक, तो आपकी स्किन अगर जितनी भी डल है, डैमेज स्किन है, तो उसको रेडियंट बनाएगा, रिपेयर करेगा और ग्लो प्रोवाइड करेगा। तो आइए मैं आपको इसे अपने फेस पे अप्लाई करके बताती हूँ, उसका रिजल्ट आपके साथ में शेयर करती हूँ। मैं आपको अपने फेस पे से अप्लाई करके बताती हूँ। राइट नाउ फेस बिल्कुल क्लीन है। जब भी हम कोई भी स्किन प्रोडक्ट लगाएं, चाहे वो सीरम हो चाहे मॉइस्चराइजर हो, फेस बिल्कुल क्लीन होगा तभी वो वर्क करेगा अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने जस्ट आपको 2 से 3 ड्रॉप्स, मैक्सिमम 4 ड्रॉप्स लेनी है, इससे ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करना है। एंड कलर आप लोग देख सकते हैं बहुत ही लाइट येलोइश कलर है, बिल्कुल लाइट येलो, आपको दिखेगा नहीं आई थिंक कैमरे में, बट बहुत लाइट येलो कलर है इसका। एंड जो स्मेल है इसका, हल्का सा इसमें आपको जो स्मेल आएगा वो बिल्कुल टर्मरिक वाला स्मेल आएगा, तो बिल्कुल बहुत माइल्ड टर्मरिक वाला स्मेल आएगा। तो जस्ट 3 to 4 ड्रॉप्स अप्लाई करेंगे अपने क्लीन फेस पर इस तरीके से, एंड फिर इसे अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब करवा देंगे। आप इसे दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं, एक मॉर्निंग में, एक नाइट में, या आप दिन में 1 बार भी यूज कर सकते हैं।
एंड बहुत ही इजीली स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा, बिल्कुल चिप चिप नहीं करेगा, स्टिकीनेस नहीं है। एंड ऑल स्किन टाइप है, अगर स्किन आपका ड्राई भी है तो भी सुटेबल है, एंड सेंसिटिव है या फिर आपका स्किन ऑयली है तो भी सुटेबल है, बिकॉज यू कैन सी कि इजीली विद इन अ मिनट ये स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया, हल्का सा फेस पे शीन ग्लो कर रहा है। एंड जब आप इसको डेली यूज में लाएंगे तो आपका जो स्किन है वो बहुत ही हेल्दी और ग्लोई बनाएगा, आपको इनर ग्लो प्रोवाइड करेगा। आपका स्किन अगर डल है ना, और अगर आपका स्किन इवन टोन भी नहीं है इनफैक्ट, बिकॉज मैक्सिमम टाइम होता है ना कि हमारा स्किन यहाँ से अनइवन रहता है या फिर कहीं पर भी पिगमेंटेशन का मार्क रहता है। काफ़ी सारे कमेंट्स ये भी आ रहे हैं कि पिगमेंटेशन के लिए सीरम बताएं, तो दिस वन इज बेस्ट सीरम। आप इसको डेली ट्राई करेंगे, डेली यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। स्किन में इजिली एब्जॉर्ब हो रहा है, कोई स्टिकीनेस नहीं है, एंड ऑल स्किन टाइप्स है, वुमेन्स एंड मैंस दोनों के लिए है, दोनों यूज कर सकते हैं, कोई इसमें एज रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कि काफी इजीली अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है, अप्लाई हो गया है स्किन में, बिल्कुल चिपचिप नहीं कर रहा है। इसके बाद आप चाहें तो मॉइस्चराइजर अपना अप्लाई कर सकते हैं, और आपको डेफिनेटली इसके बाद अपना मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन जो भी यूज करते हैं वो आप कर सकते हैं। आपको इसे क्लीन फेस पे अप्लाई करना है, और यू कैन सी कि हल्का सा फेस पे ग्लो भी आया है। एंड आप लोग बिफोर वाला जो मेरा पिक्चर देखिएगा उसमें काफी स्किन डल लग रहा था, और रेगुलर अगर आप यूज करेंगे तो आपको डेफिनेटली इसका बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलने वाला है। पिगमेंटेशन के लिए बेस्ट है, अनइवन स्किन के लिए बेस्ट है, अगर आपकी स्किन काफ़ी डल हो गई है, बिकॉज जनरली विंटर में हमारी स्किन जो है काफ़ी डल हो जाती है, हमारा इसका जो स्किन टोन है वो एक से दो शेड नीचे चले जाता है। इसे आप रेगुलर यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपको इनर ग्लो बहुत अच्छा मिलने वाला है, स्किन आपकी इवन होने वाली है, और साथ ही साथ आपकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट और प्लम्पी होने वाली है। तो मुझे तो प्रोडक्ट काफ़ी पसंद आया, अगर आपको परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप परचेज कर सकते हैं। एंड इसे आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आपने एक दो दिन यूज़ करा एंड आपको लगा कि हमारे तो मार्क्स जा ही नहीं रहे, हमें तो ग्लो मिल ही नहीं रहा, तो ऐसा नहीं होगा, बिकॉज हमारी जो स्किन है वो काफ़ी टाइम से, आपकी जो स्किन डैमेज है, आपकी स्किन में जो भी प्रॉब्लम है वो काफ़ी लंबे समय से, और आप सोचिए कि एक या दो यूज़ से अगर आपका स्किन अच्छा हो जाएगा तो वो वैसा नहीं है, आपको थोड़ा लंबे समय तक इसे यूज़ करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो आप परचेस कर सकते हैं। एंड आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम हैंडल मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।